यार उस टाइम पे हम चलाते थे ब्राजील, आई रिमेम्बर, और एक वो कौन सा वो सिकडम का एक वो, और उस टाइम नई नई जवानी चढ़ी थी, प्यूबर्टी हिट करी थी, तो अपना एनरिके का वो गाना वो बाथरूम में लगे रहते हैं इसमें. Bro, you can have what you care, escape my love. It's a lifestyle, man. It's not a culture anymore. Hip hop is a way of living. Dekh nahi raha. रिमोट छीन पाने की उम्र तक तो बहुत टाइम लगा मुझे. तब तक तो मैं वही सुन रहा था जो घर में सब सुनते हैं, क्योंकि ना एक बहुत अच्छा फ्लो था मेरे घर में, एंड दैट्स आई बिलीव एवरी साउथ इंडियन गाय, मोस्टली साउथ इंडियन फैमिली इनफैक्ट, कि सुबह उठते हैं फिर वो आत्मरामा और वो सब बजता है, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा डेली मॉर्निंग दैट इज प्लेइंग, एंड देन आफ्टरनून आई वुड कम बैक एंड चला लेता था कुछ MTV VH1 ये सब जो भी. उस टाइम पे हिप हॉप असल की भी कोई नॉलेज नहीं थी, जहाँ पे भी गाना आ रहा है जस्ट कीप स्विचिंग. एक चैनल तब आता था ITV विच वॉज लाइक यू कैन कॉल एंड यू कैन गेट समबडी टू हाँ वो गाना लगाने के लिए. तो उसके चक्कर में एक बार 300 रुपये का बिल भी बिठवाया था मैंने, बढ़िया मार पड़ी थी गणी कसूती. या मैन दैट वॉज I remember the first cassette I got was Stereo Nation. And then उसके बाद एक कैसेट वो 5 रुपये पर गाना लिंकिन पार्क के अलावा. देर वॉज दिस रीमिक्स ऑफ वी विल रॉक यू बाई 5 आई बिलीव. उसमें ना एक रैप पा रहा था, वी कॉजिंग आवर डेविस्टेशन व्हाइल वी स्टेप इनटू द प्लेस वेयर बिलीव यू कैन सी वी गोना रॉक एंड नेवर स्टॉप एंड हैवी गो अगेन हिट यू विद द फ्लो अगेन हिट यू विद द सेकंड टाइम अराउंड एंड हैवी गो अगेन शट इट अप. आई थिंक देयर वाज अ पार्ट लाइक दैट व्हिच फैसिनेटेड मी. ये कितना अच्छा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा मेरे से. वो वी विल वो बहुत उस टाइम पे जोन ऊंचा. फिर ऐसी मैंने जिस दोस्त से मेरे को CD मिली थी उसको मैंने बोला कि यार मेरे को एक MP3 बना के दे, ये 12 गानों में कुछ नहीं हो रहा. तो उस टाइम पे मैंने उसको बोला पूरी MP3 बना के दे, उसने बना के दी. और उसमें फिर लिंकिन पार्क Eminem और लिंकिन पार्क पहले सुना उसमें माइक शिनोडा का रैप मुझे समझ आया, वो पार्ट समझ आया. तो मुझे ये समझ आया कि मुझे ना ये चीज़ समझ आ रही है ये क्या है. एंड देन आई हर्ड Eminem इन द सेम MP3. मेरे सारे मतलब इंद्रियाँ खुल गई, मुझे बिल्कुल समझ आ गया कि यही है मेरा बुलावा. दैट वन MP3 changed my life, man. Yeah, that was my era and that is how I used to listen to songs. Aur source papa ka deck. Shukar hai unke paas ek tha. The first recording experience was not actually in a studio, was at home. Instrumental lagaya, virtual DJ pe is taraf record ka button dabaya aur साथ में रैप करना स्टार्ट कर दिया. तो वहाँ पे ना कोई जज कर रहा था ना कोई कुछ था, मम्मी पापा कोई घर नहीं था, मैंने डब किया, शाम तक गाना तैयार है, मम्मी को सुना, मम्मी कह रहे हैं चल तूने थोड़ी किया. That was the first experience. ऐसा था साडा सड़का ते राज, जिथे गड्डियां चलदी उथे साडी आवाज, साडा देसी साथ सब तो वखरा, साडा फ्यूजन अंदाज, मेरे नाल मेरे मीत, मेरे नाल मेरे यार, मेरे नाल सारे करदे ने कारोबार, ऐसे कुछ करके था. आई रिमेंबर दिस पार्ट पर फुल पंजाबी एंड स्टफ लाइक दैट. तो इक्का यही करता कि ये लड़का कौन है यार. हर बच्चा आई गेस अराउंड दैट एज इज लुकिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एवरीबडी अराउंड, सो यू ट्राई टू डू एवरीथिंग, यू आर द कूलेस्ट एट. तो मैं इन सब चीज़ों में बेटर था, फट के चार हो गई थी दोस्तों की. यार क्या बोलूँ, इक्के ने इंटरव्यू में बोला है पीछे कि मैं उसका दोस्त ही इसलिए बना था, ओह तू तो मेरा दोस्त है, तेरे को सब आता है. वो एक्सपीरियंस पहली बार जब घुसे थे, एक स्टूडियो देखा था, इस तरफ एक बंदा बैठा हुआ देखा कि अच्छा वो इधर बैठ के हमें उस तरफ से रिकॉर्ड करेगा, दैट वॉज एन एक्सपीरियंस. और बेवकूफ़ भी बहुत काटा उसने हमारा. 300 रुपये घंटा होता था, वो हमसे 900 रुपये ले लेता था 3 घंटे के, हम पैसे जोड़ के आते थे, 2 घंटे में गाना करते थे, 1 घंटा वो सिर्फ इसको हिलाता रहता था, हो कुछ नहीं रहा होता था, बट जो फेडर्स वुड मूव एंड वी थिंक कि कुछ तो हो रहा है. इसी चक्कर में हमने कहा कि ये लूट रहा है खुद ही सीख लेते हैं. फिर मैंने हाथ पैर मारना स्टार्ट किया, फिर शाणे हो गए हम 2 के बाद ही. मैंने कहा एक काम करो हमें रो वोकल्स दे दो, हम घर ले जाके इसको मिक्स कर लेंगे. हम शाणे हो गए. फिर मज़ा भी बहुत आया और काटा ही बहुत. याद हो तुम मुझे ज्वाला एडी वालों, याद हो? It's a part of hip hop, and it's a very necessary part of hip hop. If you're angry at somebody, किसी से गुस्सा हो खफा हो, तो आप अपनी बात गानों में बता सकते हो ताकि फिजिकल वायलेंस ना हो. यहाँ पे भी वही हो रहा है, कोई किसी से खफा है, पर हमेशा ये होगा किसी के पास कोई ताकत मिलती है ना, उसका मिसयूज़ पहले लोग करना सीख जाते हैं. दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. वरना डिस अपनी जगह पे इट्स काइंड ऑफ नेसेसरी ऑल्सो. सोचो ना यार कितने मतलब ऐसे केसेस वगैरह जब होते रहते हो, काफ़ी फेक केसेस, ये जो फेक केसेस रियल केसेस के बीच की जो लड़ाई है ना, ये वही है.
एक्चुअली पंच ये था कि हमारी डिस वाली जो हिप हॉप वाली जो जनता है वो समझदार हो गई है, अभी डिस वाला पैंतरा चल नहीं रहा है, स्क्रैच कार्ड घिस गया वो वाला। अब अगला कुछ आता है पैंतरा मैं बता दूंगा कान में किसी के। मैं बताता हूँ मेरी लिमिटेशन क्या है कि मुझे ना काफ़ी घरों के माँ बाप और उनके बच्चे देखते हैं, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं गानों में बोल नहीं सकता, सिर्फ आपको दुखाने के लिए। जो बार तो लगेगा, पंच तो लगेगा कि क्या बात बोल दी इसको यार, इस पर स्टोरी बनाते हैं, इस पर वो रील्स बनाते हैं, तो ऐसी बातें तो बोलना बहुत आसान है क्योंकि हम सड़कों पर ऐसी बात करते हैं एक दूसरे से। बट मेरी ना एक अजीब सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है विच टेल्स मी टू काम डाउन बिट एंड आई ट्राई टू, तो दैट इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इट। यही है, मतलब इसके पीछे इतना कोई प्रोसेस नहीं है, मैं किसी के लिए दुनिया बदल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट नेचुरली कम्स टू मी। मेरे को बहुत सारों से कोई परवाह नहीं है भाई, मुझे अपना पता है, मैं अपने आप से जवाबदार हूँ, मुझे शीशे में अपने आप को देखना होता है, दैट्स इनफ फॉर मी। आई कांट कमेंट ऑन व्हाट पीपल शुड बी डूइंग, पीपल शुडंट बी डूइंग, इट्स अप टू देम मैन। इफ आई एम मेकिंग म्यूजिक, व्हाट एल्स कैन आई डू, इज हैव अदर पीपल मेक म्यूजिक विद मी, लाइक माइंडसेट। जैसे मुझे लोग काफ़ी सवाल पूछते हैं कि कलमकार में कैसे जुड़े, विच इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन नाउ डेज, बिकॉज कलमकार हैज़ डन वॉट अदर पीपल एक्सपेक्टेड इट टू डू, कि रैप और हिप हॉप की कम्युनिटी को एक अलग से प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, वही बाकी के लोग भी कर रहे हैं। तो आई थिंक गली गैंग, आर्टिस्तान, ऑल दीज लेबल्स आर गेटिंग मैसेजेस लाइक दिस, बट नाउ द रियल आंसर टू दैट इज कि डोंट कम टू अस, लेट अस फाइंड यू। सेम थिंग हैपन टू मी एंड आई टेक इट फ्रॉम माई लाइफ, कि इन्होंने मेरे को ढूंढा कि ये रफ्तार कोई लड़का है, इसका हमने ये गाना सुना है, ये यहाँ फिट आएगा, इससे करवाते हैं। सो दैट इज माई जर्नी एंड माई स्टोरी अबाउट ऑल दीज सॉन्ग्स। नमस्कार, मैं हूँ रफ्तार और आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, काफी पता है आपको पर और जानना चाहते हैं, एंड कीप वॉचिंग मिर्ची इंडीज, 'cause I'm artist of the month।